ये क्रिएटर्स को जो कंपनी स्पॉन्सरशिप करने के करोड़ रुपए देती है ना, ये इनके लिए एक स्लो पॉइजन की तरह है। और इनके जहर के अंदर 90% ऑफ यूट्यूब इंडिया ऑलरेडी घेरा जा चुका है। अभी किस क्रिएटर को किस टाइप की स्पॉन्सरशिप के कितने पैसे मिलते हैं या फिर बोलो कितने पैसे अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, उन चीजों के बारे में तो हम वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे। बट हम मेनली इस वीडियो के अंदर उन बिजनेसेस की बात करेंगे जो क्रिएटर्स ने बनाने की कोशिश तो बहुत की है पर बना नहीं पाए। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रिएटर्स को बिजनेस बनाना भी क्यों जरूरी है, और उससे पहले ये समझना होगा कि क्रिएटर्स पैसा कमाते कैसे हैं। आप किसी भी क्रिएटर को देख लो, ऑन एन एवरेज उसकी इनकम का 15-20% अमाउंट जो होता है वो आता है उनका गूगल एडसेंस से, और बाकी का जो 80% अमाउंट होता है वो मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट इनकम से आ रहा होता है। तो अगर कोई क्रिएटर है जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और उसकी हर वीडियो के ऊपर 4-5 मिलियन व्यूज आते हैं और उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और दूसरी तरफ एक क्रिएटर है जो लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं और उसके भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उसकी पर वीडियो पे सेम नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो जो लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहा है और वो भी थोड़ा बहुत 5-7 गुना तक ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। बट अगर वही क्रिएटर फाइनेंस या फिर बिजनेस कैटेगरी के अंदर काम करता है और जो दूसरा क्रिएटर है जो लॉन्ग वीडियोस बनाता है और वो बिजनेस में काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है। आप लोग किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो उसके साथ साथ किस कैटेगरी के अंदर कंटेंट बना रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इस सारी चीजों से एक चीज समझ आती है कि आप लोग एट दी एंड पैसा तो बना ही रहे हो, पर आपका पैसा किसी भी टाइम पे खत्म हो सकता है या फिर आना रुक सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्रिएटर्स रोज रात को खुद को बेच के सोते हैं और अगले दिन का डर लेके होते हैं कि भैया कल को खरीदने वाले लोग ना चले जाएं। अगर तुम लोग कैरी, आशीष या फिर भुवन जैसे क्रिएटर्स को साइड कर दो ना, तो हर क्रिएटर का ऑलमोस्ट लाइफ स्पैन सिर्फ 4 सालों का है। और मैं कोई छोटे नाम लेने की बात नहीं कर रहा, तुम लोग विवेक बिंद्रा देख लो, तुम लोग संदीप महेश्वरी देख लो, संदीप महेश्वरी के 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उनके एवरेज व्यूज सिर्फ 5 लाख आ रहे हैं, जो उनके टोटल सब्सक्राइबर के 2% तक भी नहीं है। और ऐसा सिर्फ इन क्रिएटर्स के साथ नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट हर क्रिएटर के साथ होता है। और ये यूट्यूब इंडिया की एक डार्क साइड भी है, क्योंकि जहां आपका पूरा का पूरा करियर किसी एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय कर भी नहीं सकते हो। अभी आप लोगों को ये चीज फिगर आउट करनी पड़ती है कि अगर गलती से भी आपका यूट्यूब करियर खत्म हो गया तो आपको पीछे से फीड कौन करेगा। तो अगर आप लोग एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर हो तो आपका एरा कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। एक टाइम पे हनी सिंह का चलता था, आज दिलजीत का चल रहा है, कल किसी और का चलेगा। बट इन सेलिब्रिटीज के पास एक प्रिविलेज होती है कि इनके पास पैसा बहुत सारा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे को उठा के डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर एक सेलिब्रिटी ने 50 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और उसमें से 2 स्टार्टअप भी सक्सेसफुल हो गए तो उनके पैसे 50 गुना तक बढ़ जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्रिएटर्स के पास ना ही इतने पैसे होते हैं, और अगर पैसे होते भी है तो इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि स्टार्टअप्स को फिगर आउट करके उसमें पैसा लगा दिया जाए। तो 90% क्रिएटर्स तो इसी माया जाल के अंदर फंसे रह जाते हैं कि साला इतने पैसे इकट्ठे करके अभी करना कहां है, इसको इन्वेस्ट किधर करना है। बट उसके अंदर से 10% क्रिएटर्स ऐसे स्मार्ट निकल के आते हैं जो उस पैसे से अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर देते हैं। पर वो 10% क्रिएटर्स में से लिटरली 1% ही ऐसे क्रिएटर होते हैं जिनको एक्चुअल में धंधा करना आता है, बाकी लोग तो पैसा ज्यादा तो सिर्फ धंधे में कूद जाते हैं। और ये धंधा कोई ताश का गेम नहीं है ना कि भाई एक बार मैच लगाना शुरू तो करो, खेलते खेलते अपने आप समझ आ जाएगा। अगर आप लोग धंधे को गलत तरीके से चलाओगे तो आप लोग हर दिन लाखों रुपए का घाटा करोगे, या फिर एक ऐसी पैरालाइज कंपनी बना के छोड़ दोगे जिसको आप लोग बंद भी नहीं कर सकते और चला भी नहीं सकते, क्योंकि चला रहे हैं तो घाटा हो रहा है और अगर बंद कर रहे हैं तो बदनामी। अब मैं भुवन बाम की हुतियापा ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पर पहले हम फैजू के ब्रांड के बारे में बात करते हैं जिसने एक परफ्यूम लॉन्च किया था। तो एज एन क्रिएटर आप लोग जब भी कोई भी ब्रांड लॉन्च करते हैं तो आपको ये चीज फिगर आउट करनी पड़ती है कि आपकी ऑडियंस वो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की विलिंग भी है या फिर नहीं है। फॉर एन एग्जांपल अभी मैं ध्रुव राठी को बोलूं या फिर सौरभ जोशी को बोलूं कि भैया तुम लोग प्रोटीन पाउडर बेचना शुरू करो, अभी उनका जैसा शरीर है वो लोगों से कोई हेल्थ टिप्स थोड़ी लेगा। या फिर मैं कैरी मिनाटी को बोलूं कि भैया एक कोर्स बना दो कि बिना काली के बातें कैसे करते हैं, कोई खरीदेगा थोड़ी। हाँ, अगर वही कोर्स ध्रुव राठी बनाएगा तो लोग पक्का खरीदेंगे, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू वैसी बन चुकी है। तो फैजू एक फैशन कंटेंट क्रिएटर है और उसने खुद का डीओ निकालने का सोचा, जो कि दूर से देखने में तो एक अच्छा आइडिया लग रहा है कि भैया बेचा जा भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वाला ब्रांड फैजू ने अकेले लॉन्च नहीं किया था, उनकी एक टीम है 07 नाम से, जिसके अंदर शायद 7 लोग हैं, और जितने भी 5 या 7 लोग हैं उन सबने मिलकर इस ब्रांड को प्रॉपर्ली प्रमोट किया था। उसके बाद भी जाके ये ब्रांड लिटरली फेल हो गया। इनके ब्रांड का नाम था 2407, जिसको अगर मैं आज के डेट में जाके अमेज़न के ऊपर सर्च करता हूं ना तो सबसे ऊपर चप्पल आ जाती है। वैसे तो इनके प्रोडक्ट को अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक कर रखा है, जिसका ये रीजन नहीं है कि भैया बिक बहुत रहे थे, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई नहीं पूरे कर पा रहे। इंडिया मार्ट के ऊपर इनका 500 वाला परफ्यूम लिटरली 75 रुपए में बिक रहा है, इनका सामान ऑनलाइन बिक नहीं रहा था, तो अभी ऑफलाइन रिटेल शॉप्स के ऊपर बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और जो बचा हुआ सामान है उसको 75-75 रुपए में बेच रहे हैं। अभी इनका ये ब्रांड ना चलने के काफी सारे और भी रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड एक्टिव नहीं है, इनकी कोई भी वेबसाइट नहीं है, इवन SSL सर्टिफिकेट तक नहीं है, तो मैं इनकी वेबसाइट को यूज तक नहीं कर सकता हूं। और किसी भी वेबसाइट के अंदर SSL सर्टिफिकेट तो वो सर्टिफिकेट होता है जिससे क्रोम को पता चलता है कि भैया वेबसाइट सेफ है, एटलीस्ट
विजिट करने लायक तो है। और आप लोग इनकी वेबसाइट को विजिट करके देख लो, क्रोम वार्निंग दे देता है कि भैया ये मत खोलना, हो सकता है वायरस निकल आए। बट दो चीजें जिनको मैं जज कर सकता हूँ जो कि इनके सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, और वो है इनकी मार्केटिंग। इनके सोशल मीडिया के ऊपर 95,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, जो देखने में तो काफी क्रेजी लग रहे होंगे, पर अगर तुम इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखोगे तो तुम्हें ट्रोमा हो जाएगा। इनकी रैंडम टीम मेंबर्स की रैंडम फोटोज को उठा के रैंडम 50% डिस्काउंट लिख के रैंडम पोस्टर लगा रखे हैं, और पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑफर्स ही चला रहे हैं कि भैया 50% ऑफ पे ले जाओ, एक काम करो बाय वन गेट वन फ्री ले जाओ, या फिर सबसे बड़ा हाईलाइट कि भैया फैजू की कंपनी है उसका परफ्यूम ले जाओ। अरे क्यों ले जाओ? पूरी वेबसाइट के पोस्ट से लेके बायो तक कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि परफ्यूम की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर वैरायटीज कौन-कौन सी है। जब तुम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट नहीं करोगे तो वो लोग परचेज कैसे करेंगे? तुम लोगों को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहिए था। बट अगर तुम लोग इनका कंटेंट सेक्शन गलती से भी खोल के देख लोगे तो तुम्हें वहां पे नाचते हुए लड़के मिल जाएंगे। और वो परफ्यूम हाथ में लेके नहीं नाच रहे हैं भाई, इनकी रैंडम वीडियोस को उठा के बस वहां पे रीअपलोड कर रखे हैं जिसका ब्रांड से कोई भी सेंस नहीं है। और ये 95,000 फॉलोअर्स भी मोस्टली उन्हीं कारण से आए हुए हैं कि भैया रैंडम वीडियोस को उठा के वहां पे बस रीअपलोड कर रखे हैं, जो कि एक फैन पेज बना हुआ है। कितनी शर्म की बात है ना कि आपकी टीम के अंदर 5 या 7 लोग हैं जिनका पूरा का पूरा करियर सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेड है, और आप लोगों को खुद ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी नहीं आती है। आप लोगों ने बनाया कि आप लिटरली लोगों को बता नहीं पा रहे हो, आप बस बोल रहे हो मेरा परफ्यूम है तो खरीद लो। अरे क्यों खरीद लो यार? और एक और इनका डीओ ना बिकने का बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि ये ना मुस्लिम प्रोटेस्ट के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। मैं उस चीज के ऊपर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूँ कि भैया वो चीजें सही थी या फिर नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं भाई था क्या। बट मैंने देखा कि ये लोग मुस्लिम प्रोटेस्ट के अंदर ना थोड़ा सा अपफ्रंट आके प्ले करते थे, जिससे आपकी मैक्सिमम ऑडियंस ना मुस्लिम फैंस बन गए थे, और मुस्लिम लोग अल्कोहल को अवॉइड करते, और आपके डीओ के अंदर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल अवेलेबल थी। तो आपका ब्रांड ना चलने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज किया था शायद वो एक अच्छा प्रोडक्ट था ही नहीं अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। और क्योंकि आप लोग फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो अगर आप लोग कोई एसेसरी लॉन्च करते या फिर कोई क्लोथिंग ब्रांड बनाते ना, तो वो चलने के ज्यादा चांसेस रहते। बट इंडिया के अंदर हमारे क्रिएटर्स क्लोथिंग ब्रांड बना रहे और इतनी बुरी तरह फेल कर रहे हैं कि भैया नाक नहीं दिखा पा रहे। तुम लोगों ने भुवन बाम को utyapa.com या फिर सिस्टम क्लोथिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर मैं सिस्टम क्लोथिंग के बारे में बताऊं तो पिछले 8 या 9 महीने से उनके इंस्टाग्राम पे लिटरली एक पोस्ट तक नहीं आई है। और अगर गलती से भी आप लोग वेबसाइट खोल के देख लोगे तो वो तो मेंटेनेंस मोड पे पड़ी है। इसको इनडायरेक्टली भाषा के अंदर सिर्फ यही चीज बोली जाती है कि भैया धंधा नहीं चल रहा है। और भुवन बाम का सिनेरियो तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने अपनी खुद की ब्रांड बना रखी है utyapa.com, जिसको वो बंद भी नहीं कर पा रहे। वो आदमी मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर है। मिंत्रा सोचता है कि भैया इसको अगर मैं अपनी एड में दिखाऊंगा तो इसकी वजह से मेरे कपड़े बिक जाएंगे, पर वो आदमी खुद की वेबसाइट पे खुद के कपड़े नहीं बेच पा रहा। और अगर यही चीजें गलती से भी पब्लिक कर देंगे कि भैया हमारी खुद की कंपनी बंद हो चुकी है, तो हो सकता है कि इनको ऐसी स्पॉन्सरशिप मिलना ही बंद हो जाए। ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों से इनकी ना ही प्रोडक्ट्स की कोई भी एड चल रही है, ना ही इनका सोशल मीडिया एक्टिव है, ना ही कोई भी नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया जा रहा है, और ना ही ये लोग कहीं पे भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। बस एक जिंदा कठपुतली को बना के छोड़ रखा है जिसके ऊपर लिटरली 1,000 लोग तक विजिट नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग फैशन इंडस्ट्री से नहीं हो तो आप लोग क्लोथिंग ब्रांड बना नहीं सकते हो। टेक बर्नर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो पूरी की पूरी कंपनी अलग है, उसके अलग से डिजाइन है, वो अपने खुद के लोगोस को प्रिंट करके नहीं बेच रहे, या फिर अपने सिस्टम ब्रांडिंग को नहीं बेच रहे हैं। अगर आप लोग अपनी मर्चेंडाइज सेल करके अपनी करंट लाइफ के अंदर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो वो समझ आता है। बट अगर आप लोग एक ऐसा धंधा बनाना चाहते हो जो आपके यूट्यूब के करियर खत्म होने के बाद आपको फीड कर सके, तो मर्चेंडाइज तो वर्स्ट चॉइस है ना। क्योंकि आपकी मर्चेंडाइज कोई भी एक बार खरीदेगा, दूसरी बार तो खरीदेगा नहीं, और अगर खरीदेगा भी तो सिर्फ तभी तक खरीदेगा ना जब तक आप लोग रेलेवेंट हो। अगर आपका यूट्यूब करियर डाउन चला गया गलती से, तो आपकी मर्चेंडाइज का बिजनेस भी तो डाउन ही जाएगा ना। तो आपका अगर बिजनेस पूरा को पूरा आपके यूट्यूब करियर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो तो बिजनेस ही ट्रैश है। और यही सेम चीजें कोर्सेज के अंदर भी इंप्लीमेंट होती है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया अंकुर वारिकू ने 70 करोड़ के कोर्स बेच दिए, बहुत ही बढ़िया चीज है। बट अगर तुम लोग प्रैक्टिकली देखो तो अंकुर वारिकू का मेन बिजनेस कोर्स सेल करना ही है। ये अंकुर वारिकू सर यूट्यूब से कम पैसा कमाते हैं और कोर्सेज से ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर एज एन क्रिएटर आप लोग कोई भी ब्रांड बना रहे हो, तो आपका ब्रांड आपके नाम से नहीं चलना चाहिए, आपके काम से चलना चाहिए। मैंने ना बहुत सालों तक अनोइंगली HRX के कपड़े खरीदे, और मुझे बहुत बाद में पता चला कि अच्छा ये तो ऋतिक रोशन का ब्रांड है। मैं HRX के कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा था कि भाई वो ऋतिक रोशन का ब्रांड आ रहा है, मुझे तो उस टाइम पे पता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इनकी क्वालिटी अच्छी थी, सामान सस्ता था, मिंत्रा भी इजीली अवेलेबल था, तो मैं खरीद लेता था। YouTube आपको जो रिसोर्सेज और पैसा दे रहा है, उससे आपको एक अच्छा ब्रांड बनाने पे फोकस करना चाहिए। और यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, एक साइड बिजनेस शुरू कर ले रहे हैं। और ऐसे एक फनी मोमेंट सौरभ जोशी के साथ भी हुआ था कि उन्होंने कुनाली नाम से एक नया टॉय लॉन्च कर दिया था। जब मेरे को इनिशियली किसी सब्सक्राइबर ने ये चीज बताई थी ना कि भैया कुनाली के नाम से एक नया खिलौना लॉन्च किया जा रहा है, और वो भी सौरभ जोशी के चैनल के ऊपर, तो मुझे लगा था कि भाई क्या क्रेजी स्टंट है। आप लोगों के पास 25 मिलियन से ज्यादा की फॉलोइंग है, और आपको सारी दुनिया क्रिटिसाइज ये करती है कि भैया आपको सिर्फ बच्चे देखते हैं, और आप लोग बच्चों के लिए खिलौना बना दे रहे हो, कितनी क्रेजी चीज है यार ये। बट उस जगह पे सबसे बड़ा फकअप पता है क्या हुआ, कि इन्होंने खिलौना
ना लिटरली 1000 रुपए का लॉन्च कर दिया। 1000 रुपए में एक इंडियन बच्चे को पूरे साल खिलौने दिए जाते और ये सिर्फ एक खिलौना बेच रहे थे। और जैसे मैंने प्राइस देखा था मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि ये चीज वर्कआउट नहीं करने वाली है, पर इतना बुरा फेल होगी ये चीज मैंने इमेजिन भी नहीं की थी। इन्होंने बहुत उम्मीदों से उस खिलौने के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और सोच रहे होंगे कि भैया करोड़ों रुपए के बेच देंगे। वो 1000 रुपए का खिलौना लिटरली इतना गंदा फेल हुआ ना कि इनको 3-4 दिनों के अंदर वो वेबसाइट को बंद करना पड़ा था। इनको समझ आया कि खिलौने बिक ही नहीं रहे। और आज की डेट में मैं इनकी वेबसाइट अभी सामने खोल के बैठा हूं और इन्होंने लिटरली अपना शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन तक को अपग्रेड नहीं किया है। इनकी वेबसाइट अगर तुम लोग खोलने चले जाओगे तो ये खुलेगी ही नहीं। जब आप लोगों को ये चीज पता है कि आपको बच्चे देख रहे हैं तो आपको ये चीज भी समझनी होगी कि बच्चों के पास कभी भी परचेजिंग पावर नहीं होती है। मार्केटिंग के अंदर एक रूल होता है कि हमेशा उस बंदे को ऐड दिखाई जाती है जो सामान को खरीद सकता है, उसको नहीं दिखाई जाती जिसको सामान की जरूरत है। हमारी मार्केटिंग एजेंसी में हम एक स्कूल की मार्केटिंग करते हैं तो हम बच्चों को थोड़ी टारगेट करते हैं, हम उनके पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। बट अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये विजन था कि आप लोग बच्चों को प्रोडक्ट दिखाओगे उसके बाद वो घर जाके जिद करेंगे और उसके बाद खरीद लेंगे तो यही चीज भी सेंस बनाती थी। बट तभी तक ना जब उसका प्राइस कम हो, भाई 1000 रुपए का पेरेंट्स लेके थोड़ी दे देंगे, और आप उसको 1000 का तब बेच रहे हो जब आपको खरीदने की कॉस्ट 250 रुपए से भी कम पड़ रही है। आप 250 रुपए में एक प्रोडक्ट को उठा रहे थे, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे थे और आगे 1000 रुपए का बेच रहे थे, आपको उसको सस्ता बेचना चाहिए था। और ये 250 का नंबर कहां से आया मैं तुम्हें बता देता हूं। हमारी टीम ने इनके होलसेलर को रीच आउट किया था। सबसे पहले हमने फिगर आउट किया कि ये लोग खिलौने को सोर्स कहां से कर रहे हैं। उसके बाद हमने उस कंपनी को रीच आउट किया, उनसे एक एस्टिमेटेड प्राइस लिया और वो तुम्हारे सामने पेश कर दिया। तो कुछ क्रिएटर्स के प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो 75% का ग्रॉस प्रॉफिट रख रहे थे, और वो भी उस टाइम पे जब आपकी मार्केटिंग कॉस्ट लिटरली माइनस के अंदर है, जीरो है आपकी मार्केटिंग कॉस्ट। और कुछ प्रोडक्ट्स इसलिए फेल हो गए क्योंकि आप लोगों को उसको बेचना ही नहीं आया। आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपना करियर चलाते हो पर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने नहीं आई। और कुछ बिजनेस इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो लोग सामान गलत बेच रहे थे, वो लोग अपनी मर्चेंडाइज बेच रहे थे, जो बिजनेस बन ही नहीं सकता है कभी। पर ये सारे के सारे फेलियर्स के अंदर सबसे सुंदर चीज पता क्या है, इन क्रिएटर्स ने एट दी एंड एफर्ट तो मारे, कोई कोशिश तो करी है। 90% क्रिएटर्स आज के डेट में भी इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड्स नहीं बना रहे हैं। कैरी जैसे बंदे का कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है उसकी, कुछ भी नहीं है। वो आदमी हो सकता है कि इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर हो पर उसके पास कोई भी ब्रांड थोड़ी है। भगवान ना करे पर गलती से भी अगर कैरी मिनाटी का डाउनफॉल शुरू हो जाए तो वो रोटी कहां से खाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, मेरे को सारी चीजों की नॉलेज है कि भैया करियर डाउन जा सकते हैं, आपको पैसा बचाना चाहिए या फिर धंधा बनाना चाहिए, सबको पता है। पर ये लोग ना कर नहीं पा रहे क्योंकि इनके पास जो स्पॉन्सरशिप का अमाउंट हर महीने इनके अकाउंट में आ जाता है ना, वो इनको खोखला कर रहा है। तुम्हें ये फिलोसफी पता है ना कि भैया हर दूसरा बंदा जॉब के अंदर जो रह रहा होता है वो बिजनेस करना चाहता होता है। वो आदमी रोज खुद को सिर्फ एक ही कसम दे रहा होता है कि भैया अगले महीने जॉब छोड़ूंगा और खुद का धंधा शुरू करूंगा। बट अगले महीने की 1 तारीख को 50,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल जाता है। जो बैठे बिठाए हर महीने आपके अकाउंट में एक फिक्स सैलरी आती रहती है ना, इससे आदमी आलसी बहुत हो जाता है। और यही सेम ट्रैप के अंदर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर फंसे पड़े हैं। हर स्पॉन्सरशिप के 40-60 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं, क्यों काम करना है। और ये सोच कितनी गलत है ये हम लोगों को आज समझ नहीं आएगी, आज से कुछ सालों बाद समझ आएगी, क्योंकि हमने अभी क्रिएटर्स को उठते हुए देखा है ना। जो 2016-17 के अंदर कंटेंट बनाते थे, चाहे वो कैरी हो गया, आशीष हो गया, भुवन हो गया, वो आज के डेट में यूट्यूब इंडिया का फेस है। और आज के डेट में वो लोग अपने करियर के पीक के ऊपर बैठे हैं। जब इनका डाउनफॉल आएगा ना तब हम इनको देखेंगे कि भैया डाउनफॉल कैसा होता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सक्सेस देखा, हमने चीजों को गिरते हुए नहीं देखा, हमने क्रिएटर्स को खत्म होते हुए नहीं देखा। अगर अमित बढ़ाना भी है तो उसके व्यूज आने काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, पर वो खत्म नहीं हुआ अभी तक। जैसे एक टाइम पे हर दूसरी मूवी गोविंदा की होती थी और आज के डेट में कोई गोविंदा को जानता तक नहीं है, आज की जनरेशन को तो उनका नाम तक नहीं पता है। जिस दिन क्रिएटर्स के साथ ये चीज होनी शुरू होगी ना, उस दिन उनको रिग्रेट होगा और शायद ये वाली वीडियो उनको याद आएगी।